हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 15 फीट बाय 30 फीट का जो हाउस प्लान है उसका जो डिज़ाइन है वो दोस्तों कैसे बन के दिखेगा, ठीक है, उसका 3D मॉडल कैसे लगेगा, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 बाय 30 मतलब करीबन दोस्तों 450 स्क्वायर फीट का अगर आपका प्लॉट एरिया है तो उसमें किस तरह से प्लानिंग हो सकता है। और प्लानिंग के साथ दोस्तों उसका मैं 3D मॉडल भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर वो प्लान का अगर घर बनता है तो वो कैसे दिखेगा, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 15 बाय 30 का जो हाउस प्लान है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हाउस प्लान है तो इसकी चौड़ाई 15 फीट है और लंबाई दोस्तों 30 फीट है। तो इसके अंदर दोस्तों प्लानिंग कैसे किया है, बड़ा सा हॉल है 13 फीट 8 इंच बाय 11 फीट का एक हॉल है। उसके बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक किचन है, किचन करीबन आप देख सकते हो कि 9 फीट 10 इंच बाय 8 फीट का है, बड़ा अच्छा साइज है। उसके बगल में वेस्ट एरिया है 3.5 बाय 5 फीट का और उसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेडरूम है 9 फीट 10 इंच बाय 9 फीट का है, मतलब बराबर साइज है, बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है। टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे 3.5 फीट बाय 7 फीट का बड़ा सा कंबाइन है वॉश मतलब बाथरूम प्लस टॉयलेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्लान है दोस्तों 15 बाय 30 फीट में 1 BHK मैंने बना दिया है, ये बहुत अच्छा प्लान है। तो इसका अगर 3D मॉडल अगर आप बनाते हैं, ठीक है, अगर यही प्लान का अगर हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं तो वो बनके कैसा लगेगा, तो वो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और 3D मॉडल किसी भी घर का कैसे रेडी करना है वो भी मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा जो प्लान है यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे प्लान देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है इसका 3D मॉडल यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे उसका दरवाजा है, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, ये ऊपर स्टेयरकेस का कैबिन आएगा। तो ये 3D मॉडल है। तो अब इसको 3D मॉडल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस तरह का 3D मॉडल मैं आपको बना के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्केचअप फोल्डर जो है यहाँ पे, स्केचअप जो है उसके अंदर जाना है आपको और उधर जाके आपको इस तरह से फाइल ओपन करनी है। अब यहाँ पे हमारा प्लॉट जो है पहले वो हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लेके हमारा प्लॉट है 15 फीट बाय 30 फीट का है, ठीक है। तो 15 बाय 30 फीट ये इस तरह से आया है तो हम उसको डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। 15 बाय 30 का हमें प्लॉट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे अब 15 फीट बाय 30 फीट, ठीक है, ये हमारा प्लॉट ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको इंडिकेट करेगा, ये सिमिलर रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए सारी तरफ 9-9 इंच की वॉल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेजरिंग टूल लेके 9-9 इंच की वॉल बनाएंगे। तो 9 इंच की वॉल यहाँ पे रहेगी, ठीक है, 9 इंच की जो वॉल है वो पीछे रहेगी और 9 इंच की जो वॉल है साइड में और आगे की तरफ भी 9-9 इंच की हम वॉल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 इंच की वॉल बनाएंगे, यहाँ पे मेजरिंग टूल होता है उससे आप बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम रेक्टेंगल यहाँ से फिल कर देंगे इस तरह से। और ये होने के बाद देखिए पीछे से या फिर आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ कि 9 इंच होने के बाद 11 फीट का क्या है यहाँ पे हॉल है, तो यहाँ पे हम 11 फीट का एक हॉल दे देंगे और अंदर की जो वॉल रहेगी वो 4.5 इंच की रहेगी। तो यहाँ पे 4.5 इंच यहाँ पे अंदर की वॉल दे देगा और 8 फीट का या फिर पीछे से 9 फीट का क्या रहेगा हमारा बेडरूम रहेगा। तो 9 फीट छोड़ के, ठीक है, उसके बाद फिर से हम 4.5 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, 4.5 इंच की वॉल, ओके, ये हमारा बन गया। ये हमारा हॉल, ये हमारा किचन, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है। यहाँ से हम 3.5 फीट छोड़ देते हैं बाथरूम और वॉशरूम के लिए और वहाँ से 4.5 इंच की एक वॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, लाइन से हम डार्क कर देंगे जिससे हमारा ये जो वर्क है वो फाइनल हो जाए। ठीक है, इसको हम फाइनल करते जाएंगे, इसको यहाँ से, ओके, ठीक है। अब बाकी सब एक्स्ट्रा लाइन हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है, हमारा काम हो गया है। अब इनको हम सारी लाइन जो है एक्स्ट्रा लाइन फिर से मिटा देंगे, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा लाइन मिटा दी है। अब जो फाइनल वर्क है यहाँ पे देखते जाइए इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो ये 7 फीट का है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक लेंगे 7 फीट, ओके, और यहाँ से उसको आगे और 4.5 इंच की एक वॉल दे देंगे, 4.5 इंच की वॉल हमें लेनी है, ठीक है।
ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी है, 4.5 इंच की, और उसको भी हम क्या करेंगे, लाइन कर देंगे इस तरह से। ओके, ये होने के बाद अब बाकी सारी डिटेल हम क्या करेंगे, मिटा देंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दरवाज़ा है, ठीक है, यहाँ पे देखते जाए, यहाँ पे दरवाज़ा है, तो मैं यहाँ पे एक दरवाज़ा दूंगा द बेडरूम के लिए। जनरली दोस्तों बेडरूम के दरवाजे जो होते हैं वो 3 फीट के होते हैं, तो मैं 3 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाइन करेंगे और इसको यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 फीट का एक ओपनिंग रख देंगे, यहाँ पर मेजरिंग टूल लेंगे और यहाँ पर 3 फीट का एक ओपनिंग रखेंगे, ठीक है, उसको भी हम फाइनलाइज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। मैं जैसे जैसे बनाता जाऊँगा आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आएगा। इसको भी मिटा देते हैं और ये जो वॉल है इसको यहाँ से आगे लेके इसको मिटा देंगे। अब बाथरूम का जो दरवाज़ा है ये वाला, ठीक है, ये वाला दरवाज़ा जो है वो करीबन 2.5 फीट का रख सकते हैं, बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दरवाज़े की ज़रूरत नहीं होती, तो हम 2.5 फीट का दरवाज़ा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, 2 फुट और 6 इंच का दरवाज़ा रख देंगे। तो यहाँ से इसको कवर करेंगे, इसको बाकी का जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ से मिटाते चलेंगे, ठीक है, यहाँ से भी इसको मार्जिन ले लेंगे। ये भी हो गया, ये वैश एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्लान है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एक ओपनिंग है हमारा हॉल से हमारे किचन की तरफ, तो वहाँ पे 3 फीट का एक दरवाज़ा रख देंगे हम लोग, तो यहाँ से 3 फीट। ओके, इसको मैं फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है, इसके लिए मैं फटाफट इसको मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है। देखिए, देखते जाइए कि मैं सेम बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे हमारा जो प्लान है उसी तरह का प्लान पहले हम इसके अंदर बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया और यहाँ पे क्या रहेगा, एक दरवाज़ा रहेगा, आगे की वॉल में हम उठाएंगे बाद में क्योंकि सीढ़ी बनानी पड़ेगी, तो इसको मैं खींच देता हूँ इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर एक टूल आता है उससे सीधा आपको यहाँ पर उठा देना है, और इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 10 फीट के करीब, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट बन गया, अगर कोई उठा नहीं है, अगर उठा नहीं है तो उसका भी कुछ कारण हो सकता है, तो कारण था कि ये वाली लाइन थी उसकी वजह से ऊपर नहीं आया, अब हम उठाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा जो घर कैसे बनने वाला है, ये ज़्यादा घर कैसे बनने वाला है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए सारी जो वॉल है वो खड़ी हो गई, तो ये जो हमारा प्लान है वो अब 3D में रेडी हो चुका है। इसकी डिटेलिंग बाकी है, डिटेलिंग मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो सीढ़ी बना देते हैं, सीढ़ी बन जाएगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सीढ़ी के लिए 3 फीट जगह इस तरह से है, ठीक है, और 3 फीट मैं इस तरह से भी ले लेता हूँ। ओके, और 3 फीट हम क्या करेंगे, यहाँ से भी उसको खींचेंगे 3 फीट। ओके, और यहाँ से 10 इंच का एक स्टेप बना देंगे, ठीक है, 10 इंच का यहाँ से एक 10 इंच का एक स्टेप बना देंगे और उसको फिर ऊपर लेते चलेंगे। राइजर थ्रेड जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं कि सीढ़ी हमें कैसे बनानी है, सीएसके की डिज़ाइन आप जो है मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। अभी मैं इसको फटाफट बनाता हूँ, इसको साइड में रखेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है, ये छोटा वाला है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे रखेंगे और इसको भी फिर से हाइट देते चलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे इसके साथ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए स्टेयर जो है यहाँ पे उसका एक बीच में स्टेप है, ठीक है, तो वो भी हम बना देंगे, बीच वाला जो स्टेप है यहाँ से खींच कर, ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और फिर से एक स्टेप उठा देंगे, तो हमारा जो बीच वाला जो स्टेप था, क्रॉस स्टेप बोलते हैं, वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको और बढ़ाना है आगे, तो इसको 10 इंच मैं बढ़ा देता हूँ, 10 इंच बढ़ाना है, 10 फीट बढ़ गया, ठीक है, 10 इंच बढ़ा देता हूँ और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर कर कर, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इसको यहाँ पे रख देंगे। अब इसको वापस जा देंगे कि हमारा काम यहाँ से यहाँ तक ही करना है। अब यह, अब ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग उठाएंगे इसको यहाँ से और यहाँ पे। ओके,
फिर से एक बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल कंट्रोल वी करेंगे। फिर ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा कॉपी हो गया, तो पहले हम इसको मिटा देंगे यहाँ से। ओके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे कंट्रोल, मतलब पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। इसको हम पूरा कंट्रोल सी कर कंट्रोल वी करके अब यहाँ पे रखेंगे और फिर से उसको हाइड डेटे चलेंगे, ठीक है। तभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसको ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, आगे खींच लेंगे जहाँ तक हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, इसको 10 इंच आगे ले लेते हैं, ठीक है। 10 इंच लेने के बाद हम लोग इसको एक और 10 इंच यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। अभी इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, ठीक है। और इसको फिर वापस हम जाने देंगे, इसको वापस हम 10 इंच क्या करेंगे, अंदर जाने देंगे, इसको उठाएंगे कंट्रोल सी और यहाँ से यहाँ तक, और इसको 8.33 और इसको भी हम क्या करेंगे 8.33, ठीक है। हम लोग अब बन गया है स्टेप, देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेप्स बना दिए सारे। बाकी की डिटेल हम फटाफट डिटेल डिलीट कर देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके, देखिए स्टेयर हमारी बन गई है, कैसी घुमावदार स्टेयर है, ठीक है। इसमें और एक स्टेप्स ऐड हो सकता था, अभी मैं पहले वो भूल गया, मैं कर देता हूँ फटाफट, ज़्यादा देर नहीं हुई इसलिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको उठा देंगे, ठीक है। किसको उठाएंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, उठाएंगे यहाँ से कितना 8.33 जितना, ठीक है, ये उठ गया है। अब अभी दूसरे स्टेप्स लेके आएंगे, ये वाले जो थे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख के इसको क्या करेंगे, उठा देंगे और एक, ठीक है। और एक स्टेप में इसका काम हो जाएगा, मतलब हम ऊपर की फ्लाइट में हमारी जो हाइट है सीलिंग की वो पूरी हो जाएगी एक और अगर हम लगा देते तो, ठीक है। अब हम बराबर हाइट पर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैच कर देंगे अपनी जो है, ठीक है, इससे मैच करेंगे। सीढ़ी बन गई, अब हम फाइनलाइज वर्क की तरफ चलते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो एक्स्ट्रा हम मिटा देते हैं फटाफट से, ठीक है। ये वाली सारी डिटेल हम मिटाते चलेंगे, ठीक है। तो हमारी सीढ़ी यहाँ पे देखिए अब बन गई है, इस तरह से हमारी सीढ़ी बनेगी। एंट्रेंस भी हमारा कहाँ से होगा, वहीं से होगा जहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है। तो इसको हम उठा देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी एंट्रेंस हमारा क्या है, सीढ़ी के नीचे बनेगा, ओके। और बाकी का जो है, अभी इसको हम क्या करेंगे, सीढ़ी के नीचे एंट्रेंस 9 इंच का ये एंट्रेंस, ठीक है। ये दरवाज़ा हमारा बन गया सीढ़ी के नीचे, मतलब सीढ़ी के नीचे की जगह जो है उसका मैंने फुल यूज़ कर लिया है, वेस्टेज जाती है ऐसे तो, ठीक है। तो हमने उसका पूरा यूज़ यहाँ पे कर लिया है। और ये जो है इसको भी हम फील कर देते हैं यहाँ तक, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है, ये कवर हो जाएगा। अब हम उसको भी कवर करेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा लाइन जो है वो सारी
मिटा देंगे, ठीक है, हमको जरूरी नहीं है ये लाइन सारी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एरर आई है वो हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अरे लाइन मिटाने के वक्त जो है हम डिलीट करते हैं तो कंपोनेंट भी हमारे क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। देखिए तो इस तरह से हमारा जो ऑलमोस्ट जो फ्रेमवर्क है वो रेडी है, अंदर की तरफ भी आप देख सकते हो पूरा रेडी है। ओके, हमने 3D मॉडल बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक वो वाले जो सारे पोर्शन जो है ऊपर उस पर हम ये लाइन कर देंगे, जिससे हमारा जो डोर है उसके ऊपर का जो 3 फीट वाला पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रेडी हो गया, अब हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको हमको डिलीट करके अंदर काम करना है ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 फीट नीचे बढ़ा देंगे, 3 फीट सबको नीचे बढ़ाएंगे, 3-3 फीट, और ऊपर का जो पोर्शन आपको ओपन लग रहा है उसको हम बाद में क्लोज कर देंगे। इसको 3 फीट नीचे बढ़ा देंगे, इसको भी 3 फीट, और जो ऊपर पोर्शन हमारा खुला हो गया उसको हम क्लोज करते जाएंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे, अगर कोई ज़्यादा पूरा ही आ जाता है उसको फिर से डिलीट करने का ऑप्शन तो रहता ही है, ठीक है। ये ओपनिंग अगर कोई क्लोज नहीं हो रहा है तो उसको भी हम क्लोज करके रहेंगे, बाकी तो नहीं रखना है हमें। अभी ये नहीं क्लोज हो रहा है तो इसको इस तरह से तिरछी लाइन देके फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी की एक्स्ट्रा जो लाइन है वो सारी आपको मिटा देनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो मिटाते चलेंगे। ओके, ये वाली सारी लाइन जो है एक्स्ट्रा निकल रही है, ये भी एक्स्ट्रा है। यहाँ पे बाकी रहेगा ऊपर का कवरिंग, ये गया, इसको डिलीट करेंगे और एक्स्ट्रा जो है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बन गया हमारा फ्रेमवर्क। अभी आगे की तरफ हम क्या करेंगे, विंडो दे देता हूँ एक, तो यहाँ से 3 फीट ऊपर, ठीक है, और बाकी ऊपर तो दरवाजे की जो हाइट रहेगी उसके बराबर ही आएगी, तो यहाँ से वो, और यहाँ से हम 3 फीट छोड़ देते हैं, और यहाँ से भी हम 3 फीट छोड़ के बाकी जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, विंडो रहेगी, ठीक है। अब इसको 9 इंच अंदर जाने देंगे, ठीक है। हमारी जो विंडो है दोस्तों वो रेडी हो गई है। ओके, ये विंडो हमारी रेडी कंप्लीट। अब अंदर जो है कलर कर देते हैं पहले, उसके बाद में इसको फर्नीचर भी लगा दूंगा अंदर की तरफ, ठीक है। पहले हम कलर करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे जाएंगे, अब इसको हम जाने देते हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। अब इसको हम पहले कलर करेंगे, अच्छा सा कोई कलर देख के कलर करेंगे, तो कलर का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पे ये वाला जो कलर है, ये वाला, ज़्यादा डार्क भी नहीं ज़्यादा लाइट भी नहीं, या फिर और कोई कलर अगर आपको अच्छा लगता हो तो वो आप कर सकते हो, तो ये मैं ये वाला कलर इसको कर देता हूँ, ठीक है। सारी जो दीवार है उस पर हम ये वाला कलर करेंगे, ठीक है। ओके डन, चलिए ओके, सभी दीवारों पे ये हम कलर कर देंगे, कोई दीवार बाकी ना रहे, जहाँ जहाँ आपको पता दिख रहा हो पूरा आप घुमा के देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमें कलर करना है, ठीक है। बाथरूम में तो पूरी टाइल्स लगा देंगे पर अभी के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। कलर होने के बाद फ्लोर टाइल्स में टाइल्स का ऑप्शन होगा, तो नीचे हम कौन सी टाइल्स लगाए, तो हम लगाएंगे ये वाली, बहुत डार्क हो जाती है, दूसरी कोई टाइल्स ये सही है, ठीक है, इसमें लगा देते हैं। और वेस्ट एरिया में हम क्या करेंगे, एक वेस्टिंग वाली टाइल्स लगा देंगे, वेस्ट एरिया, ठीक है। वेश एरिया में हम लोग वैशिंग वाली टाइल्स, मतलब ये वाली टाइल्स, ठीक है, ये सही रहेगी। बाथरूम में भी यही टाइल्स हम लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे टच करने के बाद ये बाथरूम में भी मैंने टाइल्स लगा दिया। बाथरूम की जो वॉल है उसमें कलरिंग टाइल्स लगा देते हैं, ठीक है, कलरिंग टाइल्स लगाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, नीचे तक
टच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ कलर वाली टाइल्स लगा देंगे, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, कलरिंग टाइल्स। ओके ठीक है, बाथरूम के अंदर पूरी कलर टाइल्स, और फ्रंट में मैं बाद में आपको डिज़ाइन करके बता दूंगा। अभी दरवाज़ा और विंडो जो है वो फर्नीचर लगा देते हैं घर के अंदर फटाफट से। यहाँ से उठाएंगे विंडो, कोई विंडो हम चूज़ करेंगे इसको, यहाँ पर उसको लगा देंगे। अभी यहाँ से उसको ये ले लेते हैं, ये विंडो हमारी कंप्लीट। अब दरवाज़ा जो है उसको भी ले लेते हैं, दरवाज़ा यहाँ से कोई अच्छा सा दरवाज़ा उठा लेंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे यहाँ से और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जनरली थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है आपकी जो इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम फिट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक का भूल कर दी थी, यहाँ पे मैंने प्लिंथ लेवल ही नहीं लिया था, तो प्लिंथ ले लेते हैं तो थोड़ा घर का जो लुक है वो अच्छा आ जाए इसके लिए, ठीक है। ड्राइंग में था पर मैंने नहीं लिया था। अब मैं इसको पीछे की तरफ चले जाएंगे, इसको यहाँ से 3 फीट की हाइट, और इसको भी हम क्या करेंगे 3 फीट जो है वो ले लेते हैं। ओके देन इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ले जाएंगे, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, और आगे बढ़ा लेते हैं 3 फीट, ठीक है। 3 फीट आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से हम इसको 10-10 इंच के 2 स्टेप्स देते थे, मतलब एंट्री हमारी घर के अंदर आसानी से हो जाए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ तक खींच लाएंगे, और इसको हम 24 इंच नीचे, और इसको हम 12 इंच नीचे, और बाकी बचेंगे स्टेप्स। ओके ये हमारा एंट्रेंस हो जाएगा घर के अंदर, सही है। ओके इसको भी हम मिटा देते हैं, तो हमारा क्या है लाइन अच्छे से दिखे, ठीक है। ओके ओके सही है सही है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कलर जो है एक जगह बाकी रह गया था, तो हम उसको कलर को हम करेंगे यहाँ पे, कौन सा कलर था ये वाला, नहीं थोड़ा सा डार्क कलर था, मतलब ये वाला शायद, ओके जो भी हो, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रेमवर्क है वो रेडी हो चुका है, सामने से भी एक अच्छा सा कलर कर देते हैं तो मतलब थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है। उसके बाद तो मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करने ही वाला हूँ, बट अभी के लिए हम कोई एक अच्छा सा कलर इसको बाहर से भी कर देते हैं। अब इसकी बारी है फर्नीचर की, अंदर फर्नीचर भी लगा देते हैं कि फर्नीचर लगने के बाद हमारा जो घर है वो कैसा दिखेगा। तो फर्नीचर में सबसे पहले बाथरूम का जो पोर्शन है वो, या फिर बेडरूम का बेड जो है वहाँ पर वो भी हम पूरा कर सकते हैं, बेडरूम में जो सोफ़ा लगते हैं, ठीक है। तो सोफ़ाज हम उठाएंगे, कोई अच्छे से सोफ़ा जो लोकेशन है यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो वाले हम उठा लेंगे, यही वाले उठा लेते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा दिख रहा है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम यहाँ से, अब इसको हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे, रोटेट 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 रोटेट, ओके यहाँ से इसको यहाँ, हाँ कुछ इस तरह से, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है कंप्लीट। ओके ये हमारा बेडरूम के अंदर का सामान रेडी। अब किचन जो है उसको भी लगा देता हूँ, पहले मेन मेन काम जो है वो उठा लेते हैं। किचन हमारा है ये वाला, तो इसको ले जाते हैं, बहुत बड़ा है ये किचन, इसको इतना बड़ा किचन तो नहीं लगाएंगे हम लोग, और छोटा वाला किचन यहाँ पे उठा के लगा देंगे, ये सही रहेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको रोटेट करेंगे, रोटेट ओके यहाँ से यहाँ तक रोटेट, उसके बाद इसको पकड़ के अपनी जगह पे इसको खिसका देंगे यहाँ पर। अब बड़ा है तो इसको छोटा भी करना पड़ेगा, तो छोटा करने के लिए सिंपल आपको इसको इस तरह से अंदर या फिर ऊपर, ठीक है। ये हो गया, लग गया हमारा किचन, ठीक है किचन भी प्लेस हो चुका है। अब बेडरूम में अंदर बेड जो है बड़ी बड़ी चीज़ें लगा देंगे, पहले बेड रख देंगे। अभी बेडरूम का जो बेड है तो अच्छा सा बेड आपको ढूंढ है ये वाला, ठीक है
आजा बेड 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 आ गया हमारा बेड। अब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, घुमा देंगे। ठीक है, घुमाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, अरे ज़्यादा घूम गया। अब इसको हम पकड़ के क्या करेंगे, इस तरह से भी रख सकते हो, आपको जैसा पसंद आए वैसी तरह से। मैं इस तरह से इसको थोड़ा, ओके, उसको पहले जगह पे रख देते हैं, पीछे की तरफ बराबर ही है। ठीक है, तो ये हमारा बेड भी लग चुका है। बाथरूम के अंदर टॉयलेट रख देते हैं अभी यहाँ से। टॉयलेट टॉयलेट हमारा जो बाथरूम है, वेस्टर्न भी रख सकते हो, सिंपल भी रख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। राइट, वेस्ट एरिया है, उसके अंदर भी आप टाइल्स लगा सकते हो, आधी या पूरी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरी लगा देता हूँ दोनों तरफ। तो क्या है, वो जो मॉइस्ट वाला एरिया है वो तो हमारा पूरा यही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया है अभी एक, ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे सीढ़ी बीढ़ी सब सेट कर दी है मैंने बाथरूम के अंदर। ओके, देन अब हम उसको मिटाएंगे। ओके, एक्स्ट्रा लाइंस मिटा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा घर दिखने वाला है। अब इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपको घर के अंदर जाके देखना है कि कैसा लगेगा, तो यहाँ पे वॉक इन टू टूल आता है। ठीक है, आप घर के अंदर कहीं भी खड़े होके देख सकते हो कि आपका जो घर है वो कैसा लगने वाला है। तो देखिए, ये वॉक इन टूल है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ के बाहर निकलेंगे, और सीढ़ी के नीचे भी हमारा दरवाज़ा रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये हमारा किचन रहेगा, किचन भी आप देख सकते हो, किचन आपका इस तरह से रहने वाला है। किचन के सामने यहाँ पे टॉयलेट रहेगा। ठीक है, टॉयलेट भी आप देख सकते हो टॉयलेट के अंदर। और सामने तरफ वैश एरिया रहेगा, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं, यहाँ पे हमारा किचन है। किचन के बाद आप जा सकते हो बेडरूम की तरफ। ठीक है, ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम के बाहर आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा घर आपको ये दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मैंने पहले से बना के रखा मॉडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वो फ्रंट में अगर बनता है तो वो कैसा दिखेगा, तो वो भी हम मैं बता देता हूँ आपको, उसका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू उसका कुछ ऐसा लगेगा अगर हम बनाएंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कि कैसे आपको 3D मॉडल बनाना है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। ठीक है।